हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मैं बना रही थी खिचड़ी विराज के लिए और इसमें शायद थोड़ा पानी ज्यादा गिर गया तो बाहर निकल रहा है। इसको कर दिया बंद और अभी मैं लंच की तैयारी करने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही करूंगी। और देखिए, इस रूम में ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस रूम को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है। इसमें गद्दे वद्दे सारे निकाल दिए हैं और मैंने ये वाला बेड लिया था। ये क्या, कौन सी, ये वुडन बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग वुड। तो भाई ये बहुत ख़राब होती है और उमस वाले मौसम में ना ये लकड़ी है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फूल जाती है देखो। और ये इस तरह का, इसके ऊपर ना एक पेपर चिपका हुआ है और अंदर ये बुरादे वाली लकड़ी होती है, तो ये बहुत ही ख़राब होती है। अगर आपको दिखाऊँ मैं अच्छे से, तो ये देखिए इस तरीके से इसका रैपर भी निकल रहा है। तो भैया, ऐसे जो फर्नीचर होते हैं ना, उस पर पैसा आपको लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो लेना पड़ा क्योंकि मेरा क्वार्टर मिल नहीं रहा था और हमारी पोस्टिंग इधर उधर होती रहती है, तो इसलिए मुझे इमरजेंसी में ये ही लेना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को इस तरह का बेड लें। ये सस्ता ज़रूर होता है लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ड्यूरेबल रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सही रहेगा। रफ एंड टफ आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये बेड इतना अच्छा होता नहीं है जितना ये दिखने में हो रहा है। और अभी बाहर का जो मौसम है ना, वो देखिए आप। ये देखिए कितने बादल ही बादल हो रखे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी देखिए आप लोग, बहुत धूप भी हो रखी है और बादल हो रखे हैं। ये देखिए, असम का जो मौसम है बहुत अच्छा हो रखा है अभी, लेकिन जो गर्मी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, मतलब आप मतलब परेशान हो जाएंगे, ऐसी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और मैंने अब पूरी साफ़ सफाई कर ली है अपने घर की,